अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहिल हुसैन, आप देख रहे हैं राहिल टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बॉर्डर मुल्क की हदबंदी के लिए बनाए जाते हैं, एक सरहद बनाई जाती है और वहां पर फौजी तैनात किए जाते हैं। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे बॉर्डर जो दुनिया के अजीबोगरीब होने के साथ अनोखे भी हैं। वीडियो शुरू करने से कबल आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि राहिल टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नंबर 5 पे है टोमेटो आइसलैंड। रशियन एंड अमेरिकन पेयरिंग में ये दो जजीरे वो जगह हैं जहां रूसी अमली तौर पर अमरीकी उकाब के साथ फोड़ता है और जहां कल सिर्फ एक पत्थर फेंक दिया गया। बॉर्डर और बैन अलावी तारीख जो दुनिया के टाइम जोन को तकसीम करती हैं। नंबर 4 बर्ली नसू नैदरलैंड एंड बेल्जियम। यूरोपीय सरहदी तादीरात का यह हैरत अंगेज मकाम नीदरलैंड के जनूबी हिस्से में खामोशी से बैठा है, जहां बेल्जियम के मनी जजीरों का एक सेट क्रोटोग्राफिक की तरह बढ़ गया है। मकानात और रेस्टोरेंट एक मुल्क में आधे और दूसरे मुल्क में आधे हैं। माजी में टैक्स और वजूहत की बिना पर लोगों ने अपने सामने के दरवाजों को दूसरे ममालिक में भी रकम की बचत के लिए मुंतकिल किया था। नंबर 3 पियोन दी वेलेस दी ला गोमेरा मोरको स्पेन। यह दुनिया की सबसे मुख्तसर सरहद है। बहर रोम के साहिल पर मराकश के एक हिस्पानवी मिल्कियत का चट्टान वाला किला है। यह एक जजीरा था 1934 तक, जब एक ताकतवर तूफान ने रेत के खला में भर दिया और जजीरे को जजीरे में तब्दील कर दिया। नंबर 2 कलनी गार्ड पोलैंड एंड रशिया। रूसी साम्राज्य की ये आसार खलीज गडांस के दौर की तरफ खतरनाक हद तक कम हैं, जब लातिनवा लुटविया और इस्टोनिया के तमाम अफराद ने स्वेत यूनियन से आज़ादी के ऐलान के बाद इसे मादर वतन से ताजीर छोड़ दिया। 20वीं सदी और के अवाइल में ये जर्मनी का कैंग्सबर्ग था, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद इसका नाम तब्दील किया गया और जबरी तौर पर इसको दोबारा नामजद किया गया। और आज इसकी ताजीराती हैसियत का मतलब ये है कि ये फौजी तनसीबियात के साथ बारी है। नंबर 1 लेक कंस्टेंस ऑस्ट्रेलिया स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी। ये 3 मुल्कों की सरहद है। वस्ती यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी झील के आसपास जर्मन जुबान है, लेकिन पानी के दायरा इख्तियार के सवाल पर तीनों ममालिक मुतफिक नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सरहदें लेक्स साहिल पर दरस्तगी के साथ आती हैं। झील को तकसीम करने के लिए अब तक कोई मुआहदा नहीं हुआ, लिहाजा माहिगीरी के हुकूक और कश्ती के लांसिंग जैसे मखसूस मकामी मामलात को अनफरादी तो मुआहदों के जरिए तय करना होगा। मज़ीद दिलचस्प और मालूमती वीडियोज़ देखने के लिए राहिल टीवी के साथ जुड़े रहें और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें और हमारी वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।